नमस्कार, मैं मनोज सारो आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। यहाँ पर आप कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट से संबंधित वीडियोस देख तथा उन्हें सीख सकते हैं, जी हाँ, अपनी मातृभाषा हिंदी में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। यदि आपके पास मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव पड़ा है या फिर उसमें कुछ भी डिफेक्ट है तो आप सोचते हैं कि वो पेन ड्राइव खराब हो गया है या फिर करप्ट हो गया है, तो आप उन मेमोरी कार्ड्स को फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास मेमोरी कार्ड पड़ा है जो कि करप्ट हो या फिर पेन ड्राइव पड़ा हुआ है जो आपको लगता है कि करप्ट हो चुका है, तो आप उन मेमोरी कार्ड को इन दो तरीकों से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहले मैं आपको एक अपना करप्ट पेन ड्राइव दिखाता हूं। जी हाँ, देखिए ये मेरा एक करप्ट पेन ड्राइव है जो कि शो नहीं करता। देखिए इसमें बता रखा है पेन ड्राइव इंसर्ट करें, प्लीज इंसर्ट अ डिस्क इनटू अ रिमूवल डिस्क। अब मैं इस करप्ट पेन ड्राइव को सही करने जा रहा हूं, तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको कमांड मोड में जाना है और इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अब यहां पे आपको टाइप करना है सबसे पहले डिस्क पार्ट, उसके बाद एंटर मारना है। उसके बाद आपको यहां पे लिस्ट डिस्क टाइप करके एंटर मारना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दो लिस्ट है, एक वन जो मेरे हार्ड डिस्क है और दूसरा जो कि मेरा करप्ट पेन ड्राइव है, उसका साइज है 3819 MB जो कि 4 GB का पेन ड्राइव है। तो आपका जो करप्ट मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको लिखना है सिलेक्ट डिस्क वन, क्योंकि मेरा डिस्क वन है इसलिए मैंने वन करा, और उसके बाद आपको एंटर मार देना है। तो आप देख सकते हैं डिस्क वन इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कमांड टाइप करना है क्लीन और एंटर मार देना है। तो देखिए डिस्क सक्सेडेड इन द क्लीनिंग द डिस्क। उसके बाद आपको एग्जिट कर देना है, दोबारा एग्जिट करके ये इसे कट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पेन ड्राइव दिखाई देगा, आपको उसके बाद क्या करना है, अपने पेन ड्राइव को रिमूव करना है, फिर उसके बाद दोबारा लगा देना है। तो देखिए ये मैंने मेरा पेन ड्राइव निकाला और ये मैंने वापस लगा दिया इसे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पेन ड्राइव जो कि करप्ट हो चुका था उसका साइज दिखा रहा है। देखिए 3.7 GB फ्री ऑफ 3.72। इसे आप ओपन भी कर सकते हैं, इसमें आप कोई एरर नहीं बताएगा, कोई करप्ट नहीं बताएगा। तो इस तरह आप अपने करप्ट पेन ड्राइव या मेमोरी को ठीक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा तरीका कि कैसे आप अपने करप्टेड मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को ठीक कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका, सबसे पहले मैं आपको एक करप्ट मेमोरी कार्ड दिखाता हूँ। जी हाँ, देखिए ये एक करप्ट मेमोरी कार्ड है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये ओपन नहीं होता और एक एरर जनरेट करता है, प्लीज इंसर्ट अ डिस्क इनटू अ रिमूवल डिस्क। अब मैं इसको सही करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है HP USB डिस्क। जी हाँ, आप ये हमारे डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको। ये मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा, उसके बाद यस पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो मेमोरी कार्ड या फिर जो पेन ड्राइव है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ आएगा। देखिए सैंड डिस्क और इसका साइज है 3819 MB। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और ये फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फॉर्मेट हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली साइज दिखाना स्टार्ट कर दे रहा है और इसे आप ओपन भी कर सकते हैं और इसे आप फिर नॉर्मल पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं जो आपने फॉर्मेट करा है इस HP USB डिस्क से। अगर आपको हमारा यूट्यूब वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको 24 आवर के अंदर रिप्लाई देंगे।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नए वीडियोस अपलोड होने पर उनकी जानकारी पा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए टेक्नोलॉजी ज्ञान। गुड बाय।